अच्छा जी, ये सवाल है आप लोगों का। स्प्रिंग 2023 आईकैप का पास्ट पेपर है और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल है, सही है। इस सवाल में आपके पास लिखा हुआ है, इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड IPL इज इन बिजनेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ए रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है, वो पैकेजिंग करती है और खाने पीनों की प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करती है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम IPL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट हम देख लें पहले, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमें करना क्या है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट देखते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट में आपके पास लिखा हुआ है, ए में कंप्यूट IPL वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। वैक कैलकुलेट करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस का, यानी कि अभी जो वैक है वो कैलकुलेट करना। और बी में बोलते हैं, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस ऑन IPL एग्जिस्टिंग वैक, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द रिवाइज वैक ऑन द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू वो किस तरह से चेंज होगी, और नया वाला जो वैक होगा कुछ बिजनेस के चेंजेस है उस हिसाब से क्या होगा। करेंटली कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹10 ईच, और ये 100,100,400,000 का है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, 204,000,000। 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स ₹100 ईच, 30,200। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं उनका इन्वेस्टेड पैसा होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स की एक खास तरह की टाइप होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर्स की एक खास तरह की टाइप होती है। इरिडीमेबल, इरिडीमेबल का मतलब ये होता है कि ये कभी भी रिडीम नहीं होगा। रिडीम होने का मतलब पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये परमानेंट तरह की इन्वेस्टमेंट है। और 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स लोन की या डेट की एक टाइप है। रिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि एक दिन ये पैसा जिन्होंने बिजनेस में लगाया है उनको वापस कर दिया जाएगा। 9% का मतलब ये है कि इनको सालाना 9% का इंटरेस्ट पे किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस की, करंट या मौजूदा हालात या बिजनेस जो चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, और उसके बारे में लिखा हुआ है आपके पास, IPL डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स एज कैश डिविडेंड। कंपनी जितना भी कमाती है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है फॉर द ईयर, 60% पैसा डिविडेंड में लोगों को बांट देती है। यानी कि 40% पैसा अपने बिजनेस में दोबारा से लगाती है। अगर 100 रुपये कमाए तो 40 बिजनेस में लगा दिए, 60 शेयर होल्डर्स को दे दिए। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स अर्निंग्स पर शेयर EPS फॉर द प्रीसीडिंग 6 ईयर्स। प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है? प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले। तो पिछले 6 सालों का एक EPS अर्निंग्स पर शेयर का ट्रेंड दिया हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट पर शेयर है उसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, 18, 19, 20, 21, 22, EPS 16, 19, 21, 24, 26, 28। अब देखो, ये अगर हम पिछला EPS देखते हैं कंपनी का, अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू देखते हैं, तो वो 2017 से 2022 के बीच में 16 से 28 पर, यानी कि 12 रुपये से इजाफा हुआ है। 16 से 19 पर गया, 19 से 21 पर गया, 21 से 24, 24 से 26, 26 से 28। टू में लिखा हुआ है, द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 9% पर एनम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिटर्न है वो 9% का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम एज्यूम करते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो पैसा लगाया जाएगा वो मुझे पूरा का पूरा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट को अगर कोई उधार दिया जाएगा तो गवर्नमेंट डूबेगी नहीं, ये हमारी अजम्पशन होती है BFD में। वेर इज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5% पर एनम। रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा या बाजार में इन्वेस्ट करूंगा या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूंगा, तो जो गवर्नमेंट देती है 9%, मुझे उससे 5% ज्यादा मिलेगा। सही है। IPL करंट इक्विटी बीटा इज 1.2। दो तरह के बीटा होते हैं, एक इक्विटी बीटा होता है और एक एसेट बीटा होता है। पॉइंट नंबर 3, IPL पेज ₹20 एज एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर। कंपनी ₹20 का डिविडेंड देती है, यानी कि रिटर्न देती है, मुनाफा देती है किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल।
करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रुपीज 185 ईच, और जो मार्केट प्राइस चल रही है प्रेफरेंस शेयर्स की, यानी कि बाजार में जो ट्रेड हो रहे हैं, इसकी जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो 185 रुपए पर हो रही है। 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31st of December 2025 एट 15% प्रीमियम। जो 9% के हिसाब से रिडीमेबल बॉन्ड्स जो ऊपर आपको दिखाए गए थे वो 2025 में रिडीम होंगे 15% के प्रीमियम पर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज रुपीज 110, और इनकी आज की मौजूदा वैल्यू जो ट्रेडिंग वैल्यू चल रही है वो 110 चल रही है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, 30% का टैक्स रेट है। फिर न्यू बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। IPL इज प्लानिंग टू सेटअप वन मोर पैकेजिंग यूनिट, एक और पैकेजिंग यूनिट सेटअप करने का सोचा जा रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 45 मिलियन, विच विल बी फाइनेंस बाई इशूइंग 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार वैल्यू। दी शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% अबव पार वैल्यू। कंपनी ये सोच रही है कि हम कुछ नए शेयर्स इशू करें, और वो जो नए शेयर्स इशू करेंगे 45 मिलियन के लिए, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 4 साल में रिडीम हो जाएंगे। IPL एस्टिमेट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट इक्विटी बीटा विल इंक्रीज टू 1.3, इसकी वजह से इक्विटी बीटा 1.3 पर चला जाएगा। ए पार्ट में बोलता है कंप्यूट IPL वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब ये है कि न्यू बिजनेस पे तो हमें जाना ही नहीं है, हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करनी है, यानी कि पहले जो 5 पॉइंट्स है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस की हेडिंग के नीचे है उससे हमें डील करना है। अगर हमें वैक ढूंढना होता है तो यहाँ पर 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स या 3 तरह का कैपिटल है या 3 तरह के लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वाले लोग हैं, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले लोग हैं, और एक रिडीमेबल बॉन्ड्स वाले लोग हैं। तो अगर मुझे वैक कैलकुलेट करना होगा, अगर मुझे किसी कंपनी का वैक कैलकुलेट करना होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए होगी किसकी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, और रिडीमेबल बॉन्ड्स की। और मुझे इन तीनों का कॉस्ट चाहिए होगी, इन तीनों की कॉस्ट चाहिए होगी, किस किस की, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की कॉस्ट, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट, और रिडीमेबल बॉन्ड्स की कॉस्ट। ये 6 कॉम्पोनेंट्स अगर मेरे पास आ गए तो फिर मेरा ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक एक कर वर्किंग करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ते हैं और हम इसकी वर्किंग करना शुरू करते हैं, और एक एक टर्म को हम समझते भी हैं और देखते भी हैं। तो सबसे पहली हेडिंग में डालता हूँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की, मैं आपके सामने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वर्किंग करता हूँ। देखिए, जब हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो इस सवाल के हिसाब से हमारे पास 100, 400 और ऊपर 3 जीरो है, यानी कि 100, 400, 400, 000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो ₹10 है। पार वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर ये शेयर अपनी बुक्स में, हिस्टोरिकल वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्ड हुआ होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ होता है। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 100, 400, 000 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही करूंगा। ये वर्किंग आप भी मेरे साथ साथ कर लें। क्या वर्किंग कर रहा हूँ मैं, 100, 400, 000 ये वैल्यू है डिवाइडेड बाई ₹10, एक शेयर 10 का है, तो 100, 400, 000 डिवाइडेड बाई 10, इससे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि आखिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिसकी बात करी जा रही है उसके शेयर्स कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता चल जाएंगे कि कितने शेयर्स हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, यानी कि 10,040,000 शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब हम जाते हैं बुलेट नंबर 1 पर। अगर हम बुलेट नंबर 1 पर जाते हैं तो बुलेट नंबर 1 से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि IPL डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स एज कैश डिविडेंड। कंपनी जितना कमाती है उसमें से 60% जो है वो डिविडेंड के तौर पर दे दिया करती है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग अर्निंग्स पर शेयर फॉर द प्रीसीडिंग 6 ईयर्स, और ये कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रॉफिट्स की वैल्यू दी हुई है, पर शेयर प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम अगर ये देखें कि हमारे डिविडेंड यानी कि जो मैं मुनाफा या रिटर्न तुम कह लो कि अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ, तो वो कितना दे रहा हूँ सालाना,
और मैं यहाँ पर क्योंकि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो एक मॉडल हमने यूज किया था और उसका नाम था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। याद है आप सबको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का क्या फॉर्मूला था? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का एक फॉर्मूला होता था। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमें ये कहता था कि किसी भी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट प्राइस पर शेयर है इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, है ना? ये हमारा फॉर्मूला था ना, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू डी नॉट यानी कि बिल्कुल अभी दिया हुआ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। डी नॉट यानी कि जो बिल्कुल अभी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा वो वाली वैल्यू। अब हमारा डी नॉट हमें ढूंढना होगा अगर, तो हम 31 दिसंबर 2022 को खड़े हैं, करेक्ट? अगर हम 31 दिसंबर 2022 को खड़े हुए हैं तो हमारा डी नॉट क्या होगा जो बिल्कुल 2022 में अभी अभी डिविडेंड दिया? सर वो कैसे आएगा? देखिए आपके पास बुलेट नंबर वन में लिखा हुआ है आईपीएल डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स एज कैश डिविडेंड, यानी कि जितना वो कमाता है उसमें से 60% डिविडेंड के तौर पर दे दिया करता है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 6 ईयर्स। ये पिछले साल का ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर है। अच्छा देखो टोटल अर्निंग्स भी दी हुई हो सकती हैं, या टोटल अर्निंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ पर आपको अर्निंग्स पर शेयर दी हुई है। तो मैं डिविडेंड जो जस्ट डिक्लेयर डिविडेंड होगा या डी नॉट होगा वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे आएगा? 28 का 60%, करेक्ट? 28 का 60% इसलिए क्योंकि देखो बिल्कुल 2022 में कितना कमाया है, 2022 में 28 रुपए कमाया है, 28 में से डिविडेंड कितना दिया है? 28 में से डिविडेंड सारा नहीं दिया बल्कि 60% पैसा डिविडेंड में दिया। तो अगर 28 का 60% मैंने डिविडेंड में दिया है तो मैंने जो बिल्कुल 2022 में डिविडेंड दिया होगा, 2022 में जो डिविडेंड दिया होगा वो होगा 17। ये क्या है? ये है डिविडेंड फॉर 2022, साल 2022 में जो डिविडेंड दिया होगा वो 16.80 होगा। अच्छा अब हमें अगर ग्रोथ रेट मालूम करनी है कि डिविडेंड कैसे ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए एक मॉडल ये था कि अगर आपके पास हिस्टोरिकल वैल्यूज दी हुई है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2017, 18, 19, 20, 21, 22 की वैल्यूज दी हुई है, तो आप इन वैल्यूज को यूज कर भी अपना ग्रोथ रेट मालूम कर सकते हो। यानी कि मोस्ट रिसेंट डिविडेंड आपके पास 16.8 है और सबसे जो प्रीवियस डिविडेंड है यानी कि 2017 का डिविडेंड अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि 2017 में मैंने कितना डिविडेंड दिया था, तो 2017 का डिविडेंड कैसे मालूम हो सकता है? 2017 का जो डिविडेंड होगा, 2017 का जो डिविडेंड होगा वो 16 का यानी कि 2017 के ईपीएस का 60% होगा। 2017 का जो डिविडेंड होगा, 2017 में जो आपने डिविडेंड दिया होगा वो 16 का 60% होगा। 16 का 60% इसलिए होगा क्योंकि 16 कमाए थे और जो कमाए उसमें से 60% डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है, तो मैंने जो डिविडेंड दिया होगा 2017 में वो 9.6 होगा। अब आप ये मान लो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन, यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप ये मालूम कर सकते हो कि आपका ग्रोथ रेट कितना है। कैसे भाई? मुझे पता है 16.80 का डिविडेंड हो गया है, इनिशियली वो 9.60 का था, मुझे ये मालूम करना है कि ये आखिर ग्रोथ का रेट कितना है। अगर 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 ये जो ग्रोथ हुई है ये 17 से 18 1 साल, 18 से 19 2 साल, 19 से 20 3 साल, 20 से 21 4 साल, और 21 से 22 5 साल। अगर ये ग्रोथ 5 साल में होंगे तो आप इसको जरा सॉल्व करो, 16.80 और 9.6 लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड होगा, ठीक है ना? 16.80 डिवाइडेड बाई 16.80 डिवाइडेड बाई 9.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर 5 हो जाएगा, सही है? और फिर 16.8 को अगर हम लेट से डिवाइड कर देते हैं, 16.80 डिवाइडेड बाय 9.6 अगर हम करते हैं तो 16.80 डिवाइडेड बाय 9.6 आ जाता है 1.75।
सो 1.75 इज इक्वल्स टू 1 प्लस i पावर 5। पावर 5 लेफ्ट साइड पर जाएगी तो 1.75 की पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस i, सही है ना। और अब आप फाइनली i की वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर मैं 1.75 जो है 1.75 जो है उसकी पावर कर दूं 1 ओवर 5, तो ये तकरीबन बन रहा है 0.300, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं सॉरी, हाँ मैं गलत हूँ, मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा तो सही वैल्यू आएगी। ये आ रहा होगा आपके पास 1.1184 इज इक्वल्स टू 1 प्लस i, सही है जी। अब आपके पास i जो आएगा ना, i वो आ जाएगा 1.1184 में से 1 माइनस करो तो 0.1184 आएगा, या फिर इसको आप कह सकते हो 11.84%, या फिर आप इसको कह सकते हो 11.84%। बात समझ में आ रही है? आई होप कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। मैंने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने की पूरी वर्किंग कर दी, यानी कि सालाना बेसिस पर ऑन एन एवरेज जो डिविडेंड ग्रो हो रहा है वो 11.84% से हो रहा है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ऐसा ही होगा कि 11.84% से ही ग्रोथ हो रही होगी। क्लियर है? अब हमारे पास ग्रोथ रेट भी आ गया। अच्छा, अब हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए था सर? एक तो हमें डी नॉट चाहिए था, यानी कि बिल्कुल अभी जो डिक्लेयर किया है डिविडेंड वो हमने ढूंढ लिया। सर हमें ग्रोथ रेट चाहिए था, ग्रोथ रेट हमें मिल गया 11.84%। सर हमें इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जरूरत है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे ढूंढ सकते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए आप यूज कर सकते हो क्या? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आप सबको पता है ना? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सबको पता है क्या बोलता है वो मॉडल? किस तरह से कैलकुलेट करता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इक्विटी इनटू रिस्क प्रीमियम। हाँ या नहीं प्यारे बच्चों, जरा चैट बॉक्स में बताते जाओ साथ साथ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरा 9% है, प्लस बीटा इक्विटी मेरा 1.2 है, और जो रिस्क प्रीमियम है वो 5% है। प्यारे बच्चों जरा इसको देखो, देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है वो 9% है, बीटा इक्विटी जो है हमारा वो 1.2 है, और जो हमारा रिस्क प्रीमियम है वो 5% है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो बन रही होगी, अल्लाह भला करे, ये बन रही है 15%। 15% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है। ऐसा ही है, 15% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है, 15% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आ रहा है, सही है ना। तो हमें 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मिल गया। अब हम मार्केट वैल्यू पर शेयर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए डी नॉट यानी कि हमारे पास बिल्कुल ही अभी जो डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड होगा वो वाली वैल्यू, विच इज 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट। 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो है वो 11.84% है, डिवाइडेड बाई KE यानी कि 15% माइनस 11.84%। ठीक है, डी नॉट यानी कि 16.80 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 11.84% यानी कि 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि 15% माइनस 11.84%। ठीक है जी, डी नॉट यानी कि 16.80 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट आपका 11.84% है, डिवाइडेड बाई 15% माइनस 11.84% यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो इससे हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक शेयर की वैल्यू क्यों आएगी? एक शेयर की वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि मैंने जो डी नॉट यूज किया है वो एक शेयर का डिविडेंड है। मैंने जो डी नॉट यूज किया है ना वो एक पर्टिकुलर शेयर का डिविडेंड है, तो इसलिए ये एक शेयर की वैल्यू आएगी, और एक शेयर की वैल्यू 594.59 बन गई है। 594.59 एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ऊपर जो हमने कहा था ना कि हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें चाहिए होंगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास आ गई,
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास आ गई सर। कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई? बस जितनी भी इक्विटी है उसकी मार्केट वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ गई कि हमें ये पता चल गया कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सर, 594.59 एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू है। बिल्कुल सर, ये एक शेयर की वैल्यू है। और हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है कि 1,00,40,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, अगर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात करता हूँ तो 594.59 यानी कि एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 1,00,40,000। ठीक कह रहा हूँ? नंबर ऑफ शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक शेयर की वैल्यू से। नंबर ऑफ शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक सिंगल शेयर की वैल्यू से। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को एक सिंगल शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को एक सिंगल शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है। ऐसा है, सही है, क्लियर है, कोई मसला इसमें? अच्छा जी, तो सारे शेयर्स की वैल्यू आ गई 5,96,907,07,747। और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यानी कि ये जो इक्विटी है इसकी जो कॉस्ट है वो 15% है। तो हमें दो कंपोनेंट्स तो मिल गए, हमें हमारे दो कंपोनेंट्स हासिल हो गए, हमें हमारे दो कंपोनेंट्स हासिल हो गए। वो दो कंपोनेंट्स क्या है? वो दो कंपोनेंट्स हैं कि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी मिल गई है, ठीक है, और हमें जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की कॉस्ट है वो भी हासिल हो गई है। हमें छह चीजें चाहिए थी, छह में से दो चीजें हमें मिल गई। अच्छा, अब हमें आना है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट पर। तो अगर मैं बुलेट नंबर 3 देखता हूँ तो बुलेट नंबर 3 हमें ये कहता है कि IPL पेज ₹20 एज एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ₹185 ईच। अच्छा, अगेन हम ये बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की वर्किंग तो बड़ी आसान है, तो वो आसान सी वर्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपके पास जो है ना वो हेडिंग डालता हूँ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा सर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तुम यूं कह लो कि किसी ने तुम्हें परमानेंट उधार दिया हुआ, परमानेंट अगर किसी ने उधार दिया हुआ ना कयामत तक का, तो वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। सर दूसरे लफ्जों में समझाया, दूसरे लफ्जों में ये है कि बेटा किसी ने तुम्हें पैसे दिए हुए, किसी ने तुम्हें उधार दिया हुआ और उसके अगेंस्ट तुम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है वो दे रहे हो। सर इररिडीमेबल से ये जाहिर हुआ? बिल्कुल, इररिडीमेबल से ये जाहिर हुआ। जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए इररिडीमेबल तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने ये पैसे वापस ही नहीं करने, आपने ये वाले पैसे कभी भी वापस करने ही नहीं है। तो एक तरह से परमानेंट उधार है कयामत तक का, ठीक है ना। और आपके पास जो है वो ये जो कयामत तक का उधार है इसके अगेंस्ट आपने कॉस्ट पे करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो टॉप पर लिखा हुआ रहा था वो लिखा हुआ रहा था कि भाई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो एक शेयर कैपिटल की टाइप होती है जिसमें हम इनको रिटर्न देते हैं, और इररिडीमेबल है यानी कि हमेशा ये मेरी बुक्स में रहेगा और मैं इसके अगेंस्ट इनको रिटर्न दूंगा। इसकी टोटल वैल्यू 204,00,000 है और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक जो है उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ढूंढ लेते हैं ना, नंबर ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे ढूंढेंगे भाई? हमारे पास 204,00,000 डिवाइडेड बाई 100 है ना, 204,00,000 डिवाइडेड बाई ₹100, 204,00,000 डिवाइडेड बाई ₹100, 204,00,000 हमारे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू है। और हमारे पास एक पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढूंगा तो 204,00,000 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, 204,00,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे 204,000।
अच्छा, फिर यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं। मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कोई बता सकता है? मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं सर? ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सवाल में लिखी हुई है। सवाल अगर आप देखते हो तो बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है, IPL पेज ₹20 एज एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ₹185 ईच। यानी कि आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है और मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 185 दी हुई है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये कंपोनेंट भी हमारे पास बड़े आसानी से आ गया। 204,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 185 है। 204,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 185 है। तो 204,000 को अगर हम 185 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। 204,000 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 185 से तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल वैल्यू जो है 204,000 शेयर्स हैं। एक शेयर की वैल्यू अगर 185 है तो टोटल सारों की वैल्यू जो है वो 3,77,740,000 बन गई। अच्छा सर, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? देखो यार, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है IPL पेज ₹20 एज एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बड़ी आसान सी बात है, अगर मैं कॉस्ट मालूम करूँ, भाई मैंने किसी को मैं हर साल ₹20 देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने मेरे बिजनेस में ₹185 मुझे दिए हुए। तो अगर मैं ₹20 देता हूँ और उसने मुझे 185 दिए हुए, तो अगर 185 पर मैं ₹20 का रिटर्न देता हूँ तो मैं उसको कितना रिटर्न दे रहा हूँ? अगर परसेंटेजेस में बात करूँ तो 10.81% का रिटर्न दे रहा हूँ। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि ये कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं है, ये 10.81% है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो, 20 का डिविडेंड मैं दे रहा हूँ और 20 का जो डिविडेंड दे रहा हूँ वो मैं ₹185 की इन्वेस्टमेंट पर दे रहा हूँ। तो अगर मैं 20 का डिविडेंड दे रहा हूँ और 185 की इन्वेस्टमेंट पर दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसको 10.81% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी इन्वेस्टमेंट पर। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। सीधी सीधी सी सामने सिंपल सिंपल कैलकुलेशन थी। हाँ, अब हम आते हैं रिडीमेबल बॉन्ड्स पर। अगली जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए, अगली जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिडीमेबल बॉन्ड्स। रिडीमेबल बॉन्ड्स जो है ना, इसमें कुछ वर्किंग हो सकती है। अच्छा, किसी भी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना हो, कॉस्ट ऑफ डेट किसके बराबर होते हैं बेटा? पिछली क्लासेस याद करो, कॉस्ट ऑफ डेट IRR के बराबर होता है। कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के डेट्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है। कॉस्ट ऑफ डेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है, ये हमें मालूम है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम कॉस्ट ऑफ डेट अगर मालूम करना चाहेंगे तो हमें इस बॉन्ड का IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना होगा। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, ये बात क्लियर है ना? अगर आपको नहीं मालूम था तो आप नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज पिछले लेक्चर्स में देख भी सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट, अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट की बात करता हूँ ना, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो किसी भी बॉन्ड का कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि जिस रेट पे मुझे उधार दिया गया है वो उसका IRR होता है। तो अब अगर हम अपने बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है? 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स ₹100,30,200,000। सबसे पहले तो नंबर ढूंढ लेते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे 3,02,000,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, 3,02,000,000 डिवाइडेड बाय 100, 3,02,000,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 3,02,000 बॉन्ड्स होंगे। वापस से इसको देख लेते हैं एक बार, 3,02,000,000 डिवाइडेड बाय 100, 3,02,000 बॉन्ड्स होगा, सही है ना? अब अगर मुझे बॉन्ड्स की IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है तो इसके कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, इसके कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, बॉन्ड्स के बारे में मजीद डिटेल्स क्या है? यहाँ तो रिडीमेबल बॉन्ड्स लिखा हुआ है, सही है। बुलेट 1 हो गया, बुलेट 2 हो गया, बुलेट 3 हो गया, बुलेट नंबर 4। 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31st of December 2025 एट 15% प्रीमियम। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ₹110। अच्छा, रिडीम हो गए 2025 में, 2025 में। तो मैं यहाँ पे रियल लिख देता हूँ, 2022 का एंड अभी है, ठीक है ना? मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ईयर ऊपर और नीचे लिख देता हूँ Y22, Y23, Y24, Y25।
ठीक है ना, ईयर 22, ईयर 23, ईयर 24 और ईयर 25, एक बॉन्ड की वर्किंग करते हैं, एक बॉन्ड की वर्किंग करते हैं और कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते हैं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज रुपीज 110 ईच, यानी कि एक बॉन्ड की अभी की मार्केट प्राइस 110 है, सही है ना, एक बॉन्ड की अभी की जो मार्केट प्राइस है वो 110 है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज रुपीज 110 ईच, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज रुपीज 110 ईच, एक बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 110 है, एक बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 110 है, एक बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस है ना वो 110 है, ठीक है, एक बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 110 चल रही है, ठीक है। बदले में मुझे क्या देना पड़ता है, बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। अच्छा, इंटरेस्ट में अगर कॉस्ट ऑफ डेट नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्ट का क्योंकि मुझे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है जो हमने पहले पढ़ा, तो 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स है रुपीज 100 वाले। अच्छा, कॉस्ट होती होगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 9% मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 30%। मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 30% का क्या मतलब है सर? देखिए, 100 की कॉस्ट हो गई, 100 का 9% आपने लिया तो इंटरेस्ट बन गया, लेकिन जब आप अपनी बुक्स में इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो आपको टैक्स की सेविंग्स मिलती है, टैक्स की सेविंग्स आपको 30% मिलती है, इसका मतलब आपका खर्चा 70% होता है, आपका खर्चा 100% नहीं होता। ऐसी बातें हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस करी है, मैं वापस से रिपीट करूंगा। पहले तो हम 100 का 9% लेते हैं, जब हम 100 का 9% ले लेते हैं तो 100 का 9% हमें मिल जाता है इंटरेस्ट, लेकिन जो हमारा खर्चा होता है वो इंटरेस्ट की पूरी अमाउंट नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि जब हम अपनी बुक्स में इंटरेस्ट का एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो हमें 30% टैक्स भी तो कम लगेगा, तो हमारा जो नेट खर्चा होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 70% लेते हैं। 70% का लेने का मतलब ये है कि पहले साल के आखिर का जो खर्चा होगा वो 6.30 होगा, सिमिलरली सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट का खर्चा 6.30 होगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। देखें, आपकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो आपने नेट ऑफ टैक्स लेनी होती है, क्योंकि आपको टैक्स का फायदा होता है, तो हम 100 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट इस तरह से कर कर अपना आंसर निकालते हैं, चलिए ये आंसर आ गया हमारा, सही है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करें सर? अच्छा, अब सर आखिरी साल रिडेम्पशन भी तो हुई होगी, और बोलते हैं कि कितने पे रिडेम्पशन होगी? 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31st December 2025 एट 15% प्रीमियम, यानी कि 100 वाली चीज के अगेंस्ट 1.15 से मल्टीप्लाई कर लो, 115 रुपए दिए जाएंगे, तो 121.30 ये बना, यानी कि आखिरी दिन इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, साथ में वो बॉन्ड्स भी रिडीम करे जाएंगे, तो 100 वाली जो बॉन्ड है उसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 यानी कि 115 रुपए वापस करेगी, सही है जी। तो ये आपके कैश फ्लोज बन गए सारे। अच्छा, आप डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्काउंट फैक्टर ले लें एट 10%, 10% के हिसाब से हम मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स की कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ पर पहला डिस्काउंट फैक्टर जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% और पावर हो जाएगी इसकी 0, फिर हो जाएगी पावर 1, फिर हो जाएगी पावर 2, फिर हो जाएगी पावर 3, सही है जी। ये हमारे 10% के हिसाब से हमने डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, कोई नई बात नहीं है, ये वही सारी चीजें जो हमने पिछली क्लासेस में कवर करी है। प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए 110 नेगेटिव का मल्टीप्लाइड बाय 1 और इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इनको एडअप करते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, और वो फाइनल आंसर जो है वो 7.93 का नेगेटिव आ रहा है, 7.93 का तकरीबन नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं, और लेट से वो थोड़ा सा कम ले लेते हैं। अब हम जो नया डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं वो प्रोबेबली हम लोग लेट से 7% ले लेते हैं, ठीक है ना, 7% ले लेते हैं। 7% का डिस्काउंट फैक्टर लेकर देखते हैं कि 7% के डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से क्या होगा। बात समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे कंफर्म कर दें काइंडली। तो हम 7% का अगर डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं, और 7% का डिस्काउंट फैक्टर लेने के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7% पावर 0 पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरे में आपके पास आ जाएगी पावर 1, तीसरा, चौथा, तीसरे में पावर 2 आ जाएगी, फिर आ जाएगी पावर 3,
और इनको जरा 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हम सबको मल्टीप्लाई करते गए और हमने हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली 0.41। सही है जी, 0.41। अच्छा जी, तो इसी का कोई सवाल आया शायद सर, आईआरआर में ये कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट फैक्टर यूज करना है? देखिए, हमेशा आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर का ही इस्तेमाल करना होता है, तभी आप दो वर्किंग्स करोगे। तो आपने डिस्काउंट फैक्टर यूज तो करना ही है। अच्छा, कौन सा करना है सर, आपको कैसे पता चला 10% और 7% यूज करना है? देखिए, आप ये करिएगा कि अगर लेट से आपकी कॉस्ट जो है वो बॉन्ड की 9% है, तो आप 9%, 10%, 8%, यानी कि इसके करीब तर वाला यूज कर लीजिएगा पहला। सही है, ये आपका वैलिड सवाल बनता है कि भाई आपने एक ये कैसे मालूम किया 10% यूज करना। तो अगर आपके पास कॉस्ट 9% है ना, तो आप 8%, 9%, 10% के लगभग आसपास वाला पहला यूज कर ले। फिर इसका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हमें ये पता है ना कि अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होता है तो हम दूसरा डिस्काउंट फैक्टर पहले से कम लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर और एनपीवी में इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्काउंट फैक्टर कम होगा तो एनपीवी इंक्रीज होगी। क्लियर है सामा? अच्छा, फिर आईआरआर, फिर आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए एनपीवी ए ये ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाय बी परसेंट माइनस ए परसेंट। ये वही फॉर्मूला है जो हम कदीम जमाने से यूज करते हुए आ रहे हैं। सही है ना, ये वही फॉर्मूला है जो हम कदीम जमाने से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। एक बार मैं जरा चेक कर लूं, एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एन पी वी ए माइनस एन पी वी वी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए परसेंट। अच्छा जी, पहले जरा इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। सही है जी, मैं आप लोगों के सवाल देता हूँ, इसको जरा थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये इसमें कुछ 10 और 7 हटा दूँ, नहीं कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला लगाने में। मैं मैन्युअली जरा इसको करने की कोशिश करता हूँ, मैन्युअली करिएगा। अच्छा, क्या इस बॉन्ड के रेट को भी तो यूज कर सकते हैं? हाँ, इस बॉन्ड के रेट को भी यूज कर सकते हो, इस बॉन्ड के रेट को भी यूज कर सकते हो, इस बॉन्ड के रेट को भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है जी, करिए जरा आप लोग सॉल्व इसको। एन पी वी ए मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एन पी वी ए माइनस एन पी वी बी मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी मैंने, हाँ ये गलती करी थी, एन पी वी ए डिवाइडेड बाई एन पी वी ए माइनस एन पी वी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए परसेंट। कहाँ गलती हो रही है भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, किसी ने सॉल्व किया? मैं कैलकुलेटर पे नहीं करता हूँ, शायद फॉर्मूला टाइप करने में मैं थोड़ी सी मिस्टेक कहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, फॉर्मूले में मैं ए परसेंट ही नहीं डाल रहा था, ए परसेंट प्लस, हाँ, ए परसेंट नहीं डाल रहा था, सही है, ए परसेंट प्लस एन पी वी ए डिवाइडेड बाई एन पी वी ए माइनस एन पी वी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस बी परसेंट माइनस ए परसेंट। सही है, हम 7% से स्टार्ट करें ना, तो 7.15 आपका आई आर आ रहा है। अब बताओ यहाँ पर कोई सवाल है? लोअर रेट प्लस बी होता है स्टार्ट में, हाँ, सही है सही है, बिल्कुल सर, स्टार्ट में लो, सही है। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला दिखा दूँ, सही है, ये कैसे पता? हाँ भाई, क्लियर है सबको? देखो, तो ये आपके पास जो है वो बॉन्ड का आईआरआर आ रहा है, और बॉन्ड का आईआरआर यानी कि ये बॉन्ड का कॉस्ट ऑफ डेट भी है, सही है ना, और ये आ रहा है 7.15%, 7.15%। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू यानी कि जो हमारे पास रिडीमेबल बॉन्ड है वो 7.15% है। अच्छा, रिडीमेबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? तो रिडीमेबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो ऐसे आएगी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3,02,000 है, और एक बॉन्ड की वैल्यू अभी मार्केट में 110 चल रही है, तो 3,02,000, 3,02,000 मल्टीप्लाइड बाई 110, 3,02,000 मल्टीप्लाइड बाई 110, तो 3,33,22,000। अब हम अपना एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग वैक कैसे कैलकुलेट होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई
कॉस्ट प्लस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्लस रिडीमेबल बॉन्ड्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय तीनों की जो कॉस्ट है यानी कि 1, 2, 3 ठीक है, और इस पे लगा दिया मैंने परसेंटेज का सिंबल, तो ये 14.93% हमारा फाइनल आंसर बन रहा पहले पार्ट का। ठीक है, पहला पार्ट मैंने सिर्फ अभी सॉल्व किया है, पहले पार्ट का जो आंसर है ना वो 14.93% बन रहा है, पहले पार्ट का जो आंसर है वो 14.93% बन रहा, पहले पार्ट का जो आंसर है वो 14.93% बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? पहले पार्ट का जो आंसर है वो 14.93% बन रहा है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क होगा, लेकिन मैं उसको डिस्कस जरूर कर लेता हूँ। जो दूसरा पार्ट है ना वो आप लोगों का होगा तो होमवर्क, लेकिन मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ टू दी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, और फिर आप लोग उसको कर सॉल्व कर मुझे सबमिट करना। देखिए दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में वो बोलता है कि मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ, न्यू बिजनेस। IPL इज प्लानिंग टू सेट अप वन मोर पैकेजिंग यूनिट, कंपनी एक और पैकेजिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है। लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 45 मिलियन, और इसके लिए आपको 45 मिलियन रुपयों की जरूरत होगी, विच विल बी फाइनेंस बाय इशूइंग 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस देखा, देखो अब क्या हो रहा है, अब वो रिडीमेबल 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार वैल्यू इशू कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, कि मेरे पास एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था, मेरे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल था, मेरे पास रिडीमेबल बॉन्ड्स थे, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक और कंपोनेंट हो जाएगा। करना वही होगा, हर किसी की मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, हर किसी की कॉस्ट ढूंढनी है, और फिर हमने वैक का फॉर्मूला लगाना है। पहला जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर ये एक कंपोनेंट का इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में मार्केट वैल्यू और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो बड़ा सिंपल था, यानी कि आपने किसी से पैसा लिया हुआ और उसके अगेंस्ट आप एक फिक्स डिविडेंड पे कर रहे हो, तो आपके पास जो कॉस्ट या अमाउंट बनता था वो अमाउंट जो है वो बड़े सिंपल तरीके से आ रहा था, सॉरी कॉस्ट जो है बड़े सिंपल तरीके से आ रही थी, डिविडेंड डिवाइडेड बाई जो आपकी मार्केट वैल्यू है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कुछ टाइम में रिडीम हो जाएंगे, कुछ टाइम में हम इनको जिन्होंने ये पैसा लगाया उनको वापस कर देंगे। दी शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% अबव पार वैल्यू। तो जिस तरह से आपने बॉन्ड्स की वर्किंग करी थी ना और बॉन्ड्स का IRR ढूंढना था, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको IRR ढूंढना पड़ेगा, यानी कि आपके पास ये नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटी सी एक वर्किंग कर देता हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों की समझ के लिए, कि आपके पास जो है ना वो इसी तरह से यह नंबर 0, यह नंबर 0 भी आ जा रहा है यार, तो क्यों नहीं आता? अच्छा, इसी तरह से आपके पास ये इयर्स होंगे, इसी तरह से आपके पास ये इयर्स होंगे सारे, सही है ना? और उसके बाद क्या होगा, चलो बाहर, पता नहीं मेरा एक्सेल इतना अच्छा नहीं है शायद। खैर, कैश फ्लोज ड्राफ्ट करोगे, कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने में क्या लिखोगे? कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने में देखो, आज आपको 100 रुपये मिले एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, और हर साल आपको 15 रुपये देने, और आखिरी साल आपको 15 + 100 मल्टीप्लाइड बाई 120%, इसलिए क्योंकि 20% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उसके कैश फ्लोज होंगे। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये आ सकता है कि सर, आपने जब बॉन्ड्स की वर्किंग करी थी तो आपने इसको नेट ऑफ टैक्स लिया था, सालाना का, सालाना जो इंटरेस्ट था उसको नेट ऑफ टैक्स लिया था। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते वक्त ऐसा नहीं होता, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते वक्त ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि इनको दिया जाता है डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो दिया जाता है प्रॉफिट्स में से, वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता, और क्योंकि वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता तो उसकी वजह से टैक्स का एक्सपेंस कम नहीं होता।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, इनको डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड जो है वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। तो एक फर्क ये देख लेना। बाकी से ना सर आप 20% का 15% का डिस्काउंट फैक्टर्स निकालोगे, उससे आईआरआर निकालोगे। अच्छा, दूसरा आईपीएल एस्टिमेट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट, द इक्विटी बीटा विल इंक्रीज टू 1.3। इक्विटी बीटा में भी चेंज आ जाएगा। तो अगर इक्विटी बीटा में चेंज आएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी चेंज आएगा और मार्केट प्राइस पर शेयर में भी चेंज आएगा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि देखिए ये दो कंपोनेंट्स तो बिल्कुल सेम होंगे, पहले पार्ट से कॉपी पेस्ट कर दें। मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों की मार्केट वैल्यू भी कॉपी पेस्ट कर दें और आप दोनों का जो कॉस्ट था वो भी कॉपी पेस्ट कर दें। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये जो कैश फ्लोज और आईआरआर वाली वर्किंग है ये करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्यों रिवाइज होगा? क्योंकि अब नया इक्विटी बीटा आ गया है। नया इक्विटी बीटा आ गया है तो जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज किया था उसकी वजह से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में 1.3 जाएगा। जब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में 1.3 जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू पर शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जो है उसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला था वो था डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। तो ये दो वैल्यू जो है ना इसका रिविजन होगा, ये दो वैल्यू जो है इनका रिविजन होगा। ठीक है, ये दो वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएंगी, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, और ये न्यू वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जरा सोल्यूशन इसी फाइल में नीचे पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। अब आप लोग अपने मुझे कमेंट्स वगैरह बताएं, कोई चीज़ डिस्कस करनी है या कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों से बातचीत भी करता रहूँ, और साथ में मैं इसके आंसर को पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब मैं ये एक्सेल फाइल आप लोगों को भेजूं तो इस एक्सेल फाइल में आपको इस सवाल का कंप्लीट आंसर भी मिल जाए। उसके बाद मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी, तो मैं इसके आंसर को भी इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, मुझे बस 1 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर इस आंसर को देख सकते हो। ठीक है, ये आंसर का पहला पार्ट था। अच्छा, पहला पार्ट मुकम्मल यहाँ पर हो रहा है। हमने जिस तरह से सॉल्व किया और आई कैप ने जिस तरह से सॉल्व किया उसमें कुछ हद तक डिफरेंस आ सकता है, सॉल्व करने का मेथड जो है वो चेंज हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, ये जो पार्ट बी है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया ये भी मैं ज़रा आप लोगों को सेंड करता हूँ, यहीं पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर ना और आपने ये वैल्यूज जो है उसको देख लेना। ठीक है ना, कि भाई आपकी सारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पार्ट बी कर लोगे और पार्ट ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक्सेल फाइल आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगी। मजीद बातें अगर करनी हो तो आप ग्रुप पर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।